दोस्तों यूपीटीजीटी 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है और उसके बाद ये विज्ञप्ति आई है और विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि जो लोग इस परीक्षा में सफल हुए हैं अब वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं upscssb.org पर जाकर अब अपना जो अधिमानता है, वेटेज है, उसको उनको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सभी 16 विषयों के परिणाम ये जारी कर दिए गए हैं और जो रिजल्ट जारी हुआ है तो घोषित पैनल के कॉलम में सिलेक्शन एज में जिनके सामने अनारक्षित या यूआर या फिर आरक्षण श्रेणी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अंकित नहीं है वे रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित है, यानी कि ये वेटेज वाले अभ्यर्थी हैं और ये चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं है। घोषित पैनल के कॉलम सिलेक्शन एज में जिनके नाम के सामने अनारक्षित यानी कि उनकी कैटेगरी लिखी गई है यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस प्रदर्शित है उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप किया गया है। तो जो घोषित पैनल है जिनके नाम के आगे उनकी श्रेणी लिखी हुई है ऐसे अभ्यर्थियों को संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, आज 28 अक्टूबर है। अधिमानता ऑनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upscssb.org पर उपलब्ध है जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता को भर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ दो विषयों की कटऑफ भी बदल गई है। तो 24 घंटे के अंदर बदला दो विषयों का कटऑफ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चुपके से सुधारी गलती। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, बाद एक रिकॉर्ड 5 महीने में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर दो विषयों का कटऑफ भी बदल गया है। बुधवार को तकरीबन 9 बजे संशोधित कटऑफ वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और मंगलवार को जारी परिणाम में कृषि बालिका वर्ग में देखो ये कृषि बालिका वर्ग में आरक्षित श्रेणी का कटऑफ 446.27760 था जबकि शारीरिक शिक्षा विभाग में बालक और बालिका का आरक्षित श्रेणी का कटऑफ क्रमशः 433.88100 और 420 था। वाणिज्य बालक वर्ग अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 404 था। तो यहाँ पर बुधवार रात को जारी संशोधित कटऑफ में शारीरिक शिक्षा बालक और बालिका वर्ग अनारक्षित श्रेणी का जो कटऑफ है तो शारीरिक शिक्षा में यहाँ पर जो कटऑफ है ये 446.25548 कर दिया गया, ठीक है। ये कितना था पहले, ये जो बदला गया है 446.27760 से 25548 कर दिया गया है और इसी क्रम में शारीरिक शिक्षा बालक और बालिका वर्ग में तो बालिका वर्ग में 433.66100 कर दिया गया है, ठीक है ये वाला, और बाकी जो है वो क्रमशः 420 और 104 है, 404 अंक कर दिया गया है नए कट ऑफ में। कृषि बालक वर्ग को हटा दिया गया है जबकि वाणिज्य बालिका वर्ग को जोड़ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा संशोधन हुआ है और अब आप समझ रहे होंगे कला के 6 प्रश्नों का जवाब भी बदल गया है। छात्रों ने इस पर आपत्ति लगाई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से। मंगलवार को जारी प्रशिक्षित स्नातक कला विषय की अंतिम उत्तरमाला पर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। तो यहाँ पर बुकलेट सीरीज ए के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति थी और फिलहाल कला के 6 प्रश्नों का जो जवाब है उसे बदल दिया गया है। 24 घंटे से भी कम समय में बदला कटऑफ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2021 के सभी विषयों का मंगलवार को जारी हुआ था अंतिम परिणाम। फिलहाल जिन अभ्यर्थियों ने अपनी श्रेणी में आवेदन किया था लेकिन उनका चयन जब आरक्षित श्रेणी में हुआ है ऐसे में ये अभ्यर्थी विद्यालय का नाम भरने के लिए वेबसाइट खोल रहे हैं तो उनकी श्रेणी के विद्यालय का नाम आ रहा है, आरक्षित श्रेणी के विद्यालय के नाम नहीं आ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि यह अनियमितता है जबकि विद्यालय का नाम भरने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है, आज और कल। और रिवाइज्ड उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति, तो मैंने आपको बताया कि कला विषय के अभ्यर्थियों ने संशोधित उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति उठाई थी और अब इसे बदल दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यूपीपीएससी ने यूपीपीसीएस 2021 की आंसर की जारी कर दी है, इसे आप upcs.up.nic.in पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 2 नवंबर तक रहेगी। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति करनी है तो साइज के साथ निर्धारित प्रारूप पर
एक बंद लिफाफे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के काउंटर पर या डाक के द्वारा उसे भेज सकते हैं। 3 नवंबर शाम 5 बजे के बाद अगर आपत्ति अभी पहुंचती है तब इस पर कोई विचार नहीं होगा। और ये विज्ञप्ति भी आप देख सकते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जो उत्तर कुंजी है वो 2 नवंबर तक उपलब्ध है। 3 नवंबर तक आप इसमें प्रत्यावेदन यानी कि अपनी जो आपत्ति है उसे दे सकते हैं। और आपत्ति जो है वो या तो पर्सनली आपको जाकर देना होगा या फिर इसे आप बंद लिफाफे में यानी कि रजिस्टर डाक से आप इसे भेज सकते हैं। उत्तर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों संघ बैठक की। अभी जैसा कि आपको पता है कि 30 अक्टूबर को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है UPSC की उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, उसके लिए 25 तारीख को 25 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। और अब ये परीक्षा जो है ये 30 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 16,462, दूसरी पाली में 16,576 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे। अब बुधवार को आयोग के सचिव ने नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और केंद्र के अध्यक्षों के साथ बैठक करके उनसे जरूरी निर्देश उनको दिए हैं। और परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में होगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मुख्य अपडेट है वो ये है कि इस बार जो परिणाम मतलब जो रिजल्ट जारी किया गया है तो उस पर बहुत सारे लोग आपत्ति भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के समानांतर जारी कर दिया गया है रोल नंबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा की सुचिता पर प्रश्न। तो यहाँ पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके रजिस्ट्रेशन के समानांतर यानी कि अगर 2 लोगों ने एक साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उनका जो रोल नंबर है वो आगे पीछे है, यानी कि एक ही परीक्षा केंद्र में आगे पीछे उनकी सीट लगेगी। तो ऐसे स्थिति में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ फॉर्म भरते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन साथ होने के बावजूद भी जो उनका रोल नंबर होता है उसमें बाद में जगह काफी बदलाव हो जाता है ताकि एक क्रम से किसी को रोल नंबर निर्धारित न होने पाए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया है। तो आयोग की सचिव डॉक्टर बंदा त्रिपाठी का कहना है कि एक साथ कई विषयों की परीक्षा होनी है, उसके अनुरूप रोल नंबर जारी किए गए हैं, एक साथ किसी का रोल नंबर जारी नहीं है। CCTV कैमरा लगाने के साथ व्यवस्था बनाया गया है और इस लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। हालांकि अभ्यर्थी तो ये भी मांग कर रहे थे कि रोल नंबर जो है निरस्त करके नए सिरे से जारी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पूरी टीम बनाई जा रही है ताकि सुचिता के साथ परीक्षा संपन्न हो सके। UPTET के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि आज आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट थी वो बीत चुकी है, आज आप अपनी फोटो अपलोड करके प्रिंट आउट को ले सकते हैं। तो UPTET परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो इस खबर को जाने। 17 नवंबर से उनके हॉल टिकट डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी और 28 दिसंबर को इसका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ एक अपडेट और भी है आप लोगों के लिए। UG और PG के जो छात्र हैं उनको नवंबर से स्मार्टफोन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। CM ने गोंडा में 1,132 करोड़ की परियोजनाओं को इसकी सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं उनको नवंबर से स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की मुहिम परवान चढ़ रही है। पहले चरण में युवाओं को देने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद की प्रक्रिया तेज हो गई है। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद के लिए 1 या 2 दिन में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो बहुत जल्दी जो स्नातक और परास्नातक के छात्र हैं उनको जो है स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसके लिए जो लिस्ट बनाई जा रही है वो आपके कॉलेज स्तर पर ही बनाई जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स अब आपकी परीक्षाओं में समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो आपके लिए एक दोबारा से आप जो करंट अफेयर का सेशन था उसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये जो करंट अफेयर का सेशन होगा ये सुबह 5 बजे आपको नियमित तौर से मिला करेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि रिवीजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर पाए हैं तब आप करंट अफेयर की PDF को परचेज करके अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और उसे पूरी कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाएं इसमें होनी है। करंट पर आप लोग विशेष फोकस रखें और करंट अफेयर क्विज जो कि अब इस चैनल पर नियमित रूप से आया करेगी तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है,
तो वो लोग ये चेक करें कि उन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस है फिर भी नहीं मिल रहा है, तब आप वो लोग ये काम कर लें, चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करें और दोबारा से बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, और शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।